उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद की सदर तहसील परिसर में रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव कराया गया, जिसमें से अध्यक्ष के पद के लिए दो दावेदार खड़े हुए। रेवेन्यू बार एसोसिएशन के उम्मीदवार ठाकुर मुनेश पाल सिंह एडवोकेट व उमाकांत पचौरी एडवोकेट थे, जिसमें से ठाकुर मुनेश पाल सिंह एडवोकेट विजयी हुए। उन्हें रेवेन्यू बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मैं अपनी तहसील के साथियों की समस्या में उनके साथ हमेशा रहूंगा। कोषाध्यक्ष के लिए सोबरन सिंह वर्मा चुने गए। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आज अध्यक्ष पद एसोसिएशन बार का चुनाव हुआ है, किसको लेकर आपकी जीत किस तरह हुई और क्या यहाँ किस तरह संदेश देना चाहते हैं आप? ऐसा है, पहले बात तो मेरी जीत नहीं है, सभी भाइयों की जीत है। मेरे बुजुर्ग भाग जो भी हमारे अधिवक्ता गण हैं उनके सहयोग से मैं जीता हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट दिया उनकी भी जीत है, और जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी जीत है। मेरे ये सभी एक समान है, और जो मेरे स्तर से कार्य अधिवक्ता गणों के लिए जितना होगा अपने जी जान से करूंगा। तहसील एसोसिएशन में बार को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक नंबर से में आपकी जीत हुई है। बार को संदेश ही संदेश है यार, बार के लिए जितने अच्छे काम होंगे हम करेंगे, बार के हर सदस्य के लिए लड़ेंगे, उनको अधिकारों को जो बनते हैं उनको दिलवाएंगे। और मेरा नाम सोरन सिंह वर्मा है। आज किस तरह का चुनाव हुआ है सर? आज चुनाव निष्पक्ष हुआ है। आप किस पद के लिए उम्मीदवार थे? मैं कोषाध्यक्ष के लिए उम्मीदवार था। आपको कितने वोट पड़े हैं? मेरे 57 वोट पड़े। और सर आपकी प्राथमिकता क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं सदैव अधिवक्ताओं के हित में कार्य करूंगा, और जो अधिवक्ताओं का कोष होगा वो सही जगह पर खर्च किया जाए। सर आपके फाइट में कौन रहा? मेरे फाइट में थे सिर्फ वो मीनेंद्र राठौर जी। अच्छा, उनके 24 वोट पड़े। ठीक है। तहसीलदार विवेक भादौरिया की ओर से फिरोजाबाद जनपद वासियों को मकर संक्रांति व 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिरोजाबाद किड्स कॉर्नर इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रबंधक मयंक भटनागर की ओर से नव वर्ष मकर संक्रांति एवं 26 जनवरी की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।